वहां दर्शन किया। इसी क्रम में हम आगे हमारे बीच उपस्थित हमारे जिले के वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक जो कि हमारे नरेंद्र देव विश्वविद्यालय के सीनियर भी दे चुके हैं आप, श्रीमान डॉक्टर सुहेल जी, आप अपनी बहुमूल्य बातों से बच्चों को लाभान्वित करने की कृपा करें। आपने इस कार्यक्रम में हमको वक्त दिया और मैं सबसे पहले अपनी तरफ से, अपनी संस्था की तरफ से, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर की तरफ से आपको मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रगुजार आपका करता हूँ। देखिए विनीत हमारे संपर्क में मतलब 4 सालों से है, शायद नहीं आता था जब से यहाँ से ये कोचिंग को स्टार्ट किया। कोचिंग को स्टार्ट करने के वक्त पे इन्होंने संपर्क किया, मैंने कहा बहुत अच्छा, और इस जनपद में मैं अपने बताता हूँ, मैं अपना व्यक्तिगत, मैं आपके जनपद में, मैं रहने वाला कानपुर का हूँ, मैं आपके जनपद में विगत 2001 से कार्यरत हूँ। यदा कदा ब्लॉक पे अपने कार्यक्रम होते हैं कृषि से संबंधित, मैं आता रहता हूँ और मेरा कार्यालय भी आप बहुत लोग नहीं जानते हैं, इसलिए ये मेरा कार्यालय है। ज्यादातर पिछले जब वक्त पे था यहाँ पर सबसे पहले कृषि ज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित किया गया था 2001 में, तब यहाँ पर हम हमारे एक साथी वैज्ञानिक डॉक्टर कनौजिया, राजेश कुमार कनौजिया और डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा, इन तीन आदमियों का अपॉइंटमेंट किया गया था और हम लोगों को एक छोटा सा कमरा दिया गया था कृषि प्रसार भवन में, वहां पर बैठने के लिए हम लोग वहां पर बैठते थे, कार्य करते थे अपना। सरकार ने ज्ञान को हटाकर विज्ञान कर दिया और जरूरी था, खाली ज्ञान और जब तक कि बी नहीं मिल जाए उसमें तो वो सार्थक नहीं होता है। विज्ञान के साथ, ज्ञान के साथ में विज्ञान मिलाकर कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित कर दिया गया। ये कार्य वर्ष 2008 से अपने जनपद में कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हो चुका हुआ है और पिछले कुछ वर्षों से आपके जनपद में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जो इसी जगह पे स्थापित हो रहा है, अलीगंज रोड पे, जो लोग अलीगंज जाते होंगे तो अलीगंज रोड पे स्थापित हो रहा है, जमनाबाद टाउन पे। एक बात और बताऊं, जिस वक्त पे इन्होंने स्टार्ट किया उसके बाद से एक साल के बाद से आपके जनपद के 3 बैच, 60-60 के बैच, 3 बैच इस वक्त पे कानपुर कृषि विश्वविद्यालय में छात्र पढ़ रहे हैं आपके जनपद के कोटे के। बैठ जाओ भाई, विद्यालय के कानपुर कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। ये बहुत अच्छी सराहनीय काम है। हो सकता है आगे आने वाले दिनों में, 1-2 साल में वहां पर जो भी बिल्डिंग बन रही है, पूरी बिल्डिंग का कार्य, पूरा शिक्षण का जितना भी चाहिए रहता है, काफी सामान भी खरीदा जा चुका हुआ है, उसमें काफी चीजें हो चुकी हुई हैं। हमारी समझ से शायद 70-75% काम हो चुका हुआ, 25-25% काम बचा हुआ है, अगर 25% काम भी पूरा हो जाएगा और शिक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी तब ये कार्य होगा। देखिए बात बहुत देर से चल रही है, मैं समझ रहा हूँ अपच हो गई है। एक लेक्चर दिया जाता है किसी भी कक्षा में, सारे यहाँ पर विद्वान बैठे हुए हैं, शिक्षक भी बैठे हुए हैं, कितनी देर का एक लेक्चर दिया जाता है और कितनी देर की एक कैपेसिटी है हमारे बीच में बैठे हुए हैं। शुक्ला जी का, शुक्ला जी
अनिल शुक्ला जी बैठे हुए हमारे बीच में, ये बता देंगे आपको एक शिक्षक की कितनी कैपेसिटी होती है बोलने की और एक शिक्षक ग्रहण करने वाले की कैपेसिटी कितनी होती है। शिक्षक की कैपेसिटी तो बहुत ही होती है, लेकिन सुनने वाले की कैपेसिटी जो साइंटिस्टों ने, जो मनोवैज्ञानिकों ने निकाला है, वो मात्र 50 मिनट, 40 से लेकर 50 मिनट तक ये होता है, उसके बाद में अगर होता है तो वो अपच हो जाता है। लेकिन स्कूल में जब हम पढ़ते हैं तो 7 घंटे 6 घंटे तक के हमारे क्लास चलते हैं, उसमें क्या होता है कि बीच में थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक हो गया, कोई बच्चा बाथरूम चला गया, शिक्षक आ भी रहा है तो उसका रिफ्रेशमेंट हो जाता है। मोरी जी, मैंने इसलिए संबोधन नहीं किया था क्योंकि आपकी वजह से ये डैश स्थापित हुआ, ये मंच सिर्फ आपकी वजह से स्थापित हुआ, वरना यहाँ पर आप ना होते तो हम ना होते। आपकी वजह से स्थापित हुआ, मेरी वजह से नहीं आप स्थापित हुए। मीन्स यहाँ आप मेरी वजह से नहीं हो, हम आपकी वजह से आए। अगर आप ना होते तो हम ना यहाँ होते, ये मंच यहाँ ना होता। तो मैं आप यही अनुरोध करना चाहूंगा, थोड़ी देर शालीनता से बैठे। होता है 8 घंटे की जो मैंने बात आपसे कही थी कि 7 घंटे 8 घंटे आदमी बैठता है तो एक साथ नहीं बैठ सकता है, बस यही है। सीखना चाहते हो तो बुजुर्गों की सोहबत में बैठो, सीखना चाहते हो तो बुजुर्गों की सोहबत में बैठो, पढ़ना चाहते हो तो मजहबी किताबें पढ़ो। अपनी पढ़ाई है, ये मैं नहीं कर रहा हूं उसको पढ़ाई के लिए। पढ़ना चाहे तो मजहबी किताबें पढ़ो, देखना चाहे तो सब चीजें देखो, पीना चाहते हो तो गुस्से को पियो, पीना चाहते हो तो गुस्से को पियो, देखना चाहते हो तो सब चीजें देखो। तो मैं ये बात कह रहा था कि इसको अगर आप मद्देनजर रखोगे कि सीख आप अगर चीटी से लो, सीख अगर आप चीटी से लो, आप देखिए चीटी चढ़ती है कितनी दफा चढ़ती है और कितनी दफा गिरती है, कितनी दफा चढ़ती है कितनी दफा गिरती है और चढ़ती है, अंधता क्या होता है, अगर मिठाई का टुकड़ा वहां रखा होता है तो वो उसके ऊपर हमला कर लेती है, उसको खा लेती है, उसको पास तक पहुंच जाती है। तो सीख लेना चाहते हो तो चीटी से लो, तरकीब लेना चाहते हो तो बहुले से लो, तरकीब लेना चाहते हो तो बहुले से लो। बगुला एक टांग पे खड़ा रहता, घूम कर रहता, एक आम से देखता रहता, जैसे सच से मछली मछली आती सड़ा से खींच लेता है। क्या हो रहा है कि सीखना चाहते हो तो चीटी से लो, और बुनना चाहते हो, संघर्ष करना चाहते हो, जिंदगी को बनाना चाहते हो तो मकड़ी से। देखिए कितना मकड़ी, आप देख लीजिए मकड़ी अपना जाला बनाती है, कभी उसमें फंसा हुआ देखते हो आप, जब उसकी मौत आ जाती है गलत बात है, वो उसमें नहीं बसती है, अपना जाला बनाती है और अपने बनाते 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 फिर उसमें रहती है, अंततः जो भी जीव है उसका खत्म तो होना ही है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि जो ये कार्यक्रम विनीत जी ने किया, एक बड़ा सराहनीय काम होता है, यहाँ पर इनका एकत्र किया जाना एक ये नहीं मकसद होता है कि यहाँ पर बैठ के एक कप चाय पिलाना या एक दूसरे से आपको रूबरू कराना, यह मकसद होता है कि सिर्फ किसी तरीके से हम अपने अपना अपने देश का, अपने जनपद का, अपने ब्लॉक का, अपने गांव का या अपना एक उत्थान का। अच्छा बताइए सभी बच्चे स्टूडेंट्स दो लफ्जों को जानते हो, बॉडी किससे बनी हुई है, हमारी बॉडी किससे बनी हुई है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, तरह तरह के सेल्स हैं, सेल्स से मल्टी स्टेल्स से बनी हुई है। सेल्स मिलके क्या बनाते हैं बताओ भाई, देखिए बात एक तरफ से होने पे क्या होती है, श्रोता तीन तरीके के होते हैं भाई साहब, श्रोता तीन तरीके के होते हैं, एक श्रोता होते हैं, एक श्रोता होते हैं और एक सरोता होते हैं। एक श्रोता होते हैं, यस विल कंसंट्रेट विद माइंड एंड आईज एंड हर्ट एंड माइंड, कंसंट्रेट होकर बैठे हुए हैं, एवरी वर्ड यू विल ब्लर्ट,
एवरी वर्ड यू विल पिक अप। बहुत सी बातें हुई, वक्ता ने बहुत सी वक्ताओं ने बातें करी, लेकिन शायद सबके बात में नहीं आई होगी। क्यों? क्योंकि वो आपके मतलब की रही या नहीं रही, आपको सुनना पड़ी। कहते हैं किसान क्वेश्चन करता है तो वो किसान जरूर उसको कहता है कि मैं आई विल अडॉप्ट, अदरवाइज कितनी भी कोशिश कितना भी अगर आदमी बताता रहे नहीं उसको अडॉप्ट करता है। लेकिन जो वो किसान पर्टिकुलरली पूछता है, बात करता है, तो मैं पूछ रहा था आपसे कि सेल्स से मिलकर क्या बनता है? टिश्यू, देन टिश्यू विल मेक एन ऑर्गन, ऑर्गन मेक्स ऑर्गन मेक्स बॉडी। तो वी और ऑल द स्मॉल टिश्यू ऑफ द कंट्री, समझ गए मेरी बात को, ऑल वी आर द स्मॉल टिश्यूज ऑफ द कंट्री और कंट्री इज द बॉडी, वी आर द स्मॉल टिश्यू ऑफ द बॉडी। अगर छोटे से हम अपने बॉडी के टिश्यू को, अभी एक पेन एक आलपिन यहां पर लगती है, दर्द कहां पर होता है? दर्द कहां पर होता है? कौन इंस्ट्रक्ट करता है? ये इंस्ट्रक्ट करता है कि अपनी बॉडी हटाओ वहां से, चाहे जिधर से गुजर जाइए हलचल मचा दीजिए, उम्र के हर दौर का मजा लीजिए, उम्र के हर दौर का मजा लीजिए। मैं इन शब्दों के साथ में अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। शुक्रिया।